हाँ जी, आज हमारे समाज शिक्षा साबिक चेयरमैन यूनियन काउंसिल इलाहाबाद मियां मोहम्मद सिबतुल्ला खान साहब के पास, उनसे हम हाई स्कूल की तरक्की और डोनेशन जो उनके अंकल मियां बरकतुल्ला साहब डोनेट कर रहे हैं उनके बारे में उससे गुफ्तगू करते हैं। हाँ सर, आप फरमा रहे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया भट्टी साहब, आप तशरीफ़ लाए। हमारे चचा जो इस वक्त हमारे फैमिली हेड हैं मोहम्मद बरकतुल्ला साहब, उनकी बड़ी ख्वाहिश थी, उन्होंने यहीं से तालीम हासिल की, यहीं पले, यहीं बड़े, यहीं पैदा हुए कि मैं अपने शहर के लिए कुछ कर सकूं। इस वक्त वो अल्हम्दुलिल्लाह कनाडा में मुकीम हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उन्हें अपनी बेपनाह नेमतों से नवाजा है। कुछ अरसा पहले, 2 साल पहले उन्होंने हाई स्कूल अल्लाहाबाद के लिए एक ख़त लिखा था जिसमें उन्होंने ऑफ़र किया था कि अगर इसे हायर सेकेंडरी स्कूल में कन्वर्ट कर दिया जाए तो हायर सेकेंडरी स्कूल के लिए जितने अखराजात होंगे वो अपनी जेब से बर्दाश्त करेंगे। मुख्तलिफ़ ये कह लें कि आप रिपोर्टों के बाद बिलाखिर रहीम यार खान डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने जनाब डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान की मशावरत से इस उनकी प्रपोज़ल को मंजूर किया है। जनाब हेडमास्टर साहब के ने हर मामले में न सिर्फ मुआवनत फरमाई है बल्कि उन्होंने तमाम फिगर्स और तमाम आदाद व शुमार के साथ ये साबित किया है कि यहाँ अशद ज़रूरत है। हमारी एक कसीर तादाद बच्चों की मैट्रिक के बाद तालीम से सिर्फ इसलिए दस्तबरदार हो जाती थी कि उनके पास वसाइल नहीं थे। तो अब वो लेटर डिप्टी डायरेक्टर कॉलेजेस ने भेज दिया है लाहौर में प्लानिंग वालों को। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला वो तमाम तर मराहिल हल होने के बाद मंजूरी जल्दी आ जाएगी। इसमें मैं मुतालबा भी करूंगा हुकूमत से कि वो फौरी इसकी मंजूरी फरमाए ताकि वो अपने वादे के मुताबिक, जिसके 3 करोड़ रुपए उन्होंने देने का वादा फरमाया है और इंशाल्लाह ताला वो अपना वादा ज़रूर इफा करेंगे, जैसे ही ये मंजूरी आएगी वो इस पे काम शुरू करा देंगे। और उम्मीद है, मुझे उम्मीद है इंशाल्लाह ताला कि हमारे बच्चे बाहर जाने की मोहताजी से बच जाएंगे और अपनी तालीम का सिलसिला रवां रखेंगे। थैंक यू।